महसाणा दंगा मामले में विसनगर कोर्ट ने पार्टी का नेता हार्दिक पटेल को दोषी ठहराया है और 2 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में हार्दिक पटेल समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें कोर्ट ने 14 लोगों को बरी कर दिया गया और 3 लोगों को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने इस मामले में हार्दिक पटेल और सरदार पटेल ग्रुप के अध्यक्ष लालजी पटेल को भी 2-2 साल की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हार्दिक पटेल पर पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान महसाणा में बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में ये सजा सुनाई गई है। दरअसल साल 2015 में आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार समाज सड़कों पर उतर गया था। इस दौरान कई जगह हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई थी। इसी दौरान बीजेपी नेता ऋषिकेश पटेल के ऑफिस में भी आंदोलनकारियों ने तोड़फोड़ की थी, जिसका आरोप हार्दिक और लालजी पटेल पर लगा था। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर लिखा, किसी भी मुश्किल को उनके बनाए गए लेवल पर हल नहीं किया जा सकता, उस मुसीबत को उस लेवल से ऊपर उठने पर ही हल किया जा सकता है। इनकलाब जिंदाबाद। हार्दिक ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, मेरी फितरत है जालिमों से मुकाबला करने की, जितना दबाओगे उतना चुनौती बनकर उभरूंगा। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल पाटीदार आरक्षण आंदोलन को लेकर सुर्खियों में आए थे।